नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टैंड अप कॉमेडियन ताल ठोक सकता है और ये नाम है श्याम रंगीला जी का। जी हां, श्याम रंगीला अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर ज़रूर हैं, लेकिन ये बात कॉमेडी की नहीं है। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की है जिसके मुताबिक वो राजनीति में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो कॉमेडी में वैसा काम नहीं कर पा रहे थे जैसा वो चाहते हैं। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 29 साल के इस कलाकार को देश भर में काफ़ी शोहरत मिल चुकी है। वो पीएम मोदी की आवाज़ निकालते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो वाराणसी से पीएम के खिलाफ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव लड़ना महज सांकेतिक नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र के लिए बड़ा संदेश होगा। रंगीला ने कहा कि वो मन लगाकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अगले 2-3 दिन में ही वाराणसी जा रहे हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। श्याम रंगीला ने सूरत और इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि हम कम से कम ये कहने के लिए वहाँ पर खड़े होंगे कि हम यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में नहीं आने देंगे, लोगों को वोट के लिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा। दरअसल सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने आखिरी समय में अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। ऐसे में मिमिक्री आर्टिस्ट ने कहा कि चाहे सभी अपना नामांकन पत्र वापस ले लें, लेकिन वाराणसी में मेरा पेपर बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं ईडी आदि से नहीं डरता। 2016 में पीएम ने एक भाषण में कहा था कि वो फकीर हैं। उसी अंदाज में रंगीला ने कहा कि मैं ओरिजिनल फकीर हूं जो झोला उठाएगा और चल देगा। जी, उन्होंने कहा कि मैं 2016 से 17 तक मोदी फैन हुआ करता था, लेकिन आगे पाबंदियां लगा दी गई, वो सब नहीं कर सके जो वो चाहते थे। अब श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी को कितनी चुनौती दे पाएंगे ये तो जल्द पता चल जाएगा। लेकिन इससे कोई दो राह नहीं है कि श्याम रंगीला के चुनाव लड़ने से वाराणसी के चुनाव में थोड़ा रंग जरूर आ जाएगा। श्याम रंगीला मोदी की ही मिमिक्री करते हैं और वो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि उन्हें गंभीर कैंडिडेट नहीं माना जाएगा और वो अगर अपनी जमानत भी बचा पाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। गौरतलब है कि 2014 में सिर्फ केजरीवाल को छोड़ बाकी 40 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वैसे अगर आपने श्याम रंगीला की कॉमेडी नहीं देखी है तो उनकी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। देखिए भैया, इस देश की सरकार ने क्या किया है? भैया पुरुषों के लिए कुछ किया होगा, लेकिन भैया महिलाओं के लिए क्या किया है? श्याम रंगीला की कॉमेडी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक।